तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र पर आपको ओपन करनी है। उसके सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर CSC लॉगिन पर क्लिक कर लेनी है। अगर आपके पास CSC आईडी है तो ही आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप प्रजा केंद्र में जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका तरीका आप इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप इसको अप्लाई करनी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो डिजिटल सेवा कनेक्ट पर यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया, उसके बाद आपके सामने डिजिटल सेवा का जो आपको पेज दिख रहा है, यानी कि लॉगिन आईडी जो पेज दिख रही है आपके सामने, ये लॉगिन पेज आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको यूज़र और पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा लगा, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करनी है। तो मैं चलिए यहाँ पर अपना CSC आईडी जो है, CSC आईडी और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपके बाद उसके बाद आपको करना क्या है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये थोड़े समय वेटिंग लगा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपके सामने जो CSC आईडी का जो होम पेज है या डैशबोर्ड है, कुछ आपको इस तरह का चीज़ दिखती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने सारे सर्विसेज की जो भी सर्विसेज है आपको यहाँ पर अवेलेबल है आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर जो लोकेशन वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पर आनी है, और आपका जो भी लोकेशन है यानी जिस भी स्टेट से रहते हैं आपको अपने यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जबकि मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको झारखंड में जो भी अवेलेबल सेवाएँ हैं CSC के माध्यम से, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रही है जहाँ पर है मुख्यमंत्री पहन बेटी सम्मान पोषण योजना। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखती है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना होम, और ये प्रजा केंद्र लॉगिन, ऑपरेटर लॉगिन और आधिकारिक लॉगिन। जो कि आपके पास जो भी आईडी है आप उसी आईडी के माध्यम से को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटर का लॉगिन आईडी है तो आप ऑपरेटर लॉगिन आईडी से या तो लॉगिन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आधिकारिक वेबसाइट के जैसे कि आपका BDO CEO और एड्रेसेस जो भी है, जो भी ये वीडियो जो भी लॉगिन आईडी 123 जो भी है आपके पास, इसको लॉगिन कर सकते हैं। बट ये कोई अधिकार ही कर सकता है। बट आप एक प्रजा केंद्र लॉगर है तो आपको यहाँ पर प्रजा केंद्र में जो भी आपका प्रमंडल के अंतर्गत आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है सिंपली आपको उसी को सिलेक्ट करनी है। तो जो कि मैं जो प्रमंडल हजारीबाग प्रमंडल के अंतर्गत, तो मैं इसको क्लिक कर लिया। जैसा आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नई डैशबोर्ड ओपन होकर आएगी, जो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर ये होम और बैच एंट्री और आपको यहाँ पर है सेट्स बेनिफिशियरी, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बैच एंट्री है आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। ये यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से रिजर्व फॉर्म ली जाता है। ये बैच एंट्री जो आपकी ऑफलाइन रिसीव फॉर्म है, ये बैच एंट्री आपको ऑफलाइन फॉर्म ली जाएगी, बट आपको यहाँ पर ऑनलाइन इसको अप्लाई करनी होगी। कैसे इसको अप्लाई करनी है, यही आपका झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना फॉर्म है। इसी फॉर्म के अंतर्गत आपको हर महीने 1000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो देखो भरना कैसे है, सबसे पहले आपकी जो आधार कार्ड है, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो भी डिजिट है आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालनी है। उसके बाद आपका नाम डालनी है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपका पिता या आपका हस्बैंड जो भी होगा आपको नाम डालनी है। फिर आपका यहाँ पर एड्रेस लिखना है, एड्रेस आपको वही लिखना है जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपको वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी थाना आता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करनी है। इतना करने के बाद करना क्या, नीचे आना है, उसके बाद आपको प्रमंडल सेलेक्ट किया जाएगा। आपकी जैसे ही प्रमंडल यानी कि सर्किल के अंतर्गत आता है, अंचल के अंतर्गत आता है, आपको अंचल अपना सेलेक्ट करना है यानी कि पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको पंचायत आता है, तो पंचायत को आना है के बाद आपको पंचायत सेलेक्ट करना है, आपको पंचायत कौन सा पड़ता है पंचायत सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक के खाते का संख्या यानी कि अकाउंट नंबर आपको फिलअप करनी है। ठीक है, आपको अकाउंट डिजिट यहाँ पर फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पर बोले खाता आधार लिंक है या नहीं, आपका जो खाता है वो आपके आधार से लिंकेज है, अगर नहीं है तो आपको लिंक करवा लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करनी है। उसके बाद आपका जो बैंक का नाम है कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक है या फिर आपका SBI है या फिर बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक है, कौन सा बैंक है आपको यहाँ पर टाइप करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो बैंक का जो IFSC कोड होता है, IFSC कोड आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है ना, जो भी आपका कोड होगा आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर राशन कार्ड का जो नंबर है आपको राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ फिलअप कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पैन कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पैन कार्ड का नंबर आपको फिलअप करनी है। ठीक है,
जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पैन कार्ड का नंबर को फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आपके यहाँ पर है जो आपका जाति है यानी कि कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आता है अपना, वो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर जनरल आता है तो जनरल सेलेक्ट करना है, अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति को सिलेक्ट करना है, एससी है अगर एसटी है तो एसटी सेलेक्ट कर लेना है, अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है तो आपको यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी अंतर्गत आते हैं आपको उसको जाति को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर जो डेट ऑफ बर्थ क्या रही है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पूरी फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एज, देखिए यहाँ पर 26 साल एज बता रहा है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज कम से कम 21 यानी कि 21 साल होने ज़रूरी है। अगर आपका 21 साल और 50 साल के बीच में अगर आपका एज है तो ही आप इस पर अप्लाई करें, तो ही आपके खाते में अकाउंट में पैसे आएंगे, वरना ये नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर आवेदिका का मोबाइल नंबर यानी कि जो भी जिस लड़की के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद क्या आवेदिका विवाहित है, जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं क्या वो मैरिड है या नॉन मैरिड है, अगर मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करना, नहीं है तो नॉन पर क्लिक करनी है। उसके बाद जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका वो क्या है, विधवा है, तलाकशुदा है, पर्याप्त लागू नहीं है, कुछ भी जो भी होगा आपको यहाँ पर टिक कर लेनी है। तो इसमें से लागू नहीं है वाले टिक पर टिक कर देना, अगर विधवा होगा तो करना है, अगर तलाकशुदा है तो करना है, परित्याग कर चुका है तो परित्यक्ता है तो भी करनी है, अगर नहीं है तो इसको लागू नहीं पर आपको टिक कर देनी तीनों में से, ठीक है। अगर विवाहित यहाँ पर है तो वहाँ पर टिक कर देना, बाकी इसको यहाँ पर लागू नहीं पर टिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फोटो साइज अलाउड 100 KB और ओनली PDF, JPG और JPG और PNG के रूप में इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका जो भी फोटो हो उसको आपको PDF फॉर्म में आप उसको बना करके उसको अपलोड करनी है। किस में करना है पता है, दस्तावेज अपलोड कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। ये जो यहाँ पर दे रखी है 100 घोषणा पत्र, सिंपली यहाँ पर टिक करनी है, उसके बाद 100 घोषणा पत्र सबसे पहले यहाँ पर अपलोड करनी है। जो भी आपको यहाँ पर रहेंगे, चले मान के चले मैं यहाँ पर 100 घोषणा पत्र ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर जो 100 KB से यहाँ पर लेस देन 100 KB है, मस्ट लेस देन, तो 100 KB चलो इसको कर लेना है। ये PNG रूप में है, सारे बड़े बड़े हैं, हाँ देखो ये आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको 100 घोषणा पर टिक कर देनी है। इसी PDF में जितने भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड का हो गया, राशन कार्ड हो गया, साथ में तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आपका फोटो और आपका 100 घोषणा पत्र, इसी में सारे को एक फॉर्म में PDF में बना करके आपको इसको अपलोड करनी है एक ही बार, ठीक है। उसके बाद ये टिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर अप्लाई कर देनी है, बस आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर की मतलब करना क्या पता है, यहाँ पर आना है सेट्स बेनिफिशियरी पर आना है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उस नंबर को डालने के बाद आधार नंबर और राशन कार्ड का नंबर डालने के बाद इसको सर्च करके देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया, यानी कि आप बेनिफिशियरी नाम लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है आप अपने प्रचार केंद्र के माध्यम से, और अगर आपके पास CSC ID है तो उसी के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, और हर महीने 1000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र करी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो भी इतना ही है, अगर आपको किसी तरह कोई हेल्प चाहिए, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप इसको मेरे व्हाट्सअप लिंक से या फिर मेरे इंस्टाग्राम लिंक से जुड़ करके आप अपना डिटेल्स भेज कर मैं आपको फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस इस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो लेकर आऊँगा गोकू सम्मान निधि योजना ऑनलाइन, अभी तो ऑफलाइन हो रही फिलहाल, बट मैं उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करनी है मैं आपको भी बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस तरह का अच्छे से वीडियो लेकर और जनरल एकदम सटीक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।